टू माय YouTube चैनल जिसका नाम है कलाकार डीसी जे इज माय किलिंग मशीन मार्शल द डोबरमैन मिस्टर डोबरमैन के नाम के पीछे इस ब्रीड का नाम रखा गया है ओ माय गॉड क्या हो गया वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड्स मैं अग्रेसिव कहना चाहूंगी और जो फर्स्ट टाइम ओनर्स है उनके लिए ये डॉग नहीं है और जहाँ तक इनके अग्रेशन और टेम्परामेंट का सवाल है मैं आपको मिलाती हूँ मार्शल से हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है कलाकार डीसी जे मेरे साथ है बिंगो और आज के वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाली हूँ मेरे दूसरे पेट से जिसका नाम है मार्शल एंड इज अ डोबरमैन बिंगो से हाय आप सब इससे तो मिल ही चुके हैं बिंगो तो है ही छोटा प्यारा चलो आज मैं आपको मिलाती हूँ मार्शल से अभी दिखाती हूँ ये है मार्शल इज माई किलिंग मशीन मार्शल द डोबरमैन यस बेबी टिक के बैठना हमारी रगों में हमारे खून में नहीं है मोर अबाउट दिस ब्रीड डोबरमैन जो है अराउंड 150 साल पहले ब्रीड करने शुरू किए गए थे इन जर्मनी बाय जर्मन टैक्स कलेक्टर हिज नेम वॉज कार्ल फ्रेडरिक लुइस डोबरमैन मिस्टर डोबरमैन के नाम के पीछे इस ब्रीड का नाम रखा गया है Oh yes, 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 yes. Yeah, but we are talking about you only, no? So that guy was a tax collector, and for his security purposes, उन्होंने इस breed को invent किया है. Actually, invent ही किया गया because ये कई सारी breeds का mixture है and they are incredible, incredible dogs. I fell in love with Doberman. You'll get to see the agility, the. Oh my God! क्या हो गया? What do you want? Come, come here. What do you want from me, Marshall? What do you want? See, look at his reactions. Kya chahiye? They are so damn playful, so full of energy. Oh my God. Oh, Marshall, yaar, he's not even letting me. Oh, yaar, cover bhi nahi karne de raha frame ke andar. Ruk ja. Ruk teri aisi taisi. Sit. That's very bad behavior. Very bad behavior. Achha, ab down hoke dikha raha. They love taking commands. Stay like that. Oh, look at him. He jumped. Dekhi kitna jump maar raha hai. Very bad, Marshall. Go. Fetch. See? About Doberman, there's another amazing fact that they are one of the most intelligent dog breeds present on this planet. And they are ranked at around, I guess, number 5 to be in the smartest dog list in the world. है ना कमाल का फैक्ट दुनिया की इस पांचवी स्मार्टेस्ट ब्रीड के साथ रहने में मुझे इतना ज्यादा मजा आता है देखिए ये बहुत ज्यादा प्लेफुल ब्रीड है बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव ब्रीड है और बहुत मैं अग्रेसिव कहना चाहूंगी क्योंकि बिना कमांड के ये अग्रेसिव होता भी नहीं है और इन्हें अर्ली सोशलाइजेशन की बहुत रिक्वायरमेंट और जिस तरह से ये अभी मेरे पीछे से भाग के गया है आप समझ लीजिए किसकी खैर है लोग भी एक डोबरमैन पालना चाहते हैं तो बचपन से उसकी सोशलाइजेशन और ट्रेनिंग बहुत जरूरी है बहुत ज्यादा जरूरी है तभी वो आपकी फैमिली आपकी पूरी फैमिली को सिक्योर करेगा और आप उससे सिक्योर रह पाएंगे गाइस डोबरमैन्स जो होते हैं वो हाईली एथलेटिक डॉग्स होते हैं और जो फर्स्ट टाइम ओनर्स हैं उनके लिए ये डॉग नहीं है मैं पहली बार आपको बता दूं तो और अगर आप इन्हें पालना चाहते हैं इनकी बहुत अच्छे से एक्सरसाइज ताकि ये अपना पूरा दम खम पूरा निकाल सकें और फ्रस्ट्रेशन किसी किस्म की ना हो तो इनकी एक्सरसाइजिंग और ट्रेनिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है ये कितना प्लेफुल है ये तो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में दिखाऊंगी क्योंकि अगर मैंने वो बनाना शुरू कर दिया तो फिर हम बात तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे तो मैं कह रही थी जो डोबरमैन है दे लिव अराउंड एक एवरेज डॉग जो 10 to 12 ईयर्स का लाइफ स्पैन रहता है उतना And the males, they weigh around 40-45 kgs and the females in Dobermans, they weigh around 35, 30 to 35 ke beech mein unka.
वेट रहता है। वैसे तो खैर अर्ली सोशलाइजेशन के बाद ये फैमिलीज के साथ बच्चों के साथ बहुत अच्छे से और प्यार से रहते हैं। देखो कितना 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 इसके चेहरे से लॉर्ड दुलार शराफत टपक रही है, बट ही इज माई लव, आई लव हिम गाइज, आई लव हिम फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और मैं वाकई इसके आने के पहले मैंने तत्वा के पीके भाई के व्लॉग में भी ये चीज़ बोली थी कि मैं पहले हक में नहीं थी कि हम एक डोबरमैन पालें, क्योंकि ऑफ कोर्स दे लुक फेरोशियस एंड दे लुक लाइक डेंजरस डॉग्स एंड मैं थोड़े डाउट में थी, बट जब ये आया 4 महीने के अंदर जब ये हमारे पास आया, नाउ ही इज 2.5 years ऑलमोस्ट। आपको दिखाती हूँ कितनी कमांड करता है, बैक बैक These guys, they just love to please their owners. They're meant to be like that. और बाकी बातें करते हैं अंदर चल के। गर्मी बहुत है यार बाहर। हाँ जी। तो मैं बात कर रही थी इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इनका जो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक है जो मुझे लगता है वो ये है दैट डॉबरमैन्स आर वन मैन डॉग। वन मैन डॉग से मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि घर में किसी और की कमांड नहीं सुनते हैं या किसी का कहना नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं है। ये उस केस में है कि when there's an extreme situation, तब ये से they choose an alpha from the family, जिसकी एक complete extreme situation में भी जाके सुनेंगे, so they are always a one man dog। ये velcro type कुत्ते होते हैं, velcro का मतलब वो चेपी वाले जूते होते हैं, पहनते ना चिक 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 on the shoe होता था। फुल टाइम इनको आपके साथ ऐसे चिपक के बैठना है, खेलना है, पूरा दिन ऐसे ऐसे प्यार करते रहो, ऐसे मसाज करते रहो और हम आपके पास से बिल्कुल नहीं हिलेंगे। ऑल दे वॉन्ट इज लव, गेम्स, दे जस्ट वॉन्ट टू बी विद द फैमिली। इसके अलावा दे वॉन्ट नथिंग, दे नीड नथिंग, ऑल दे नीड इज लव एंड lots of love like being up. I know, I love you too. का कोटा हो गया पूरा, देखो कैसे लिटा पड़ा है यहाँ। चलिए घर में ये बता रही थी, एक बार फिर मैं ये बोल दूँ कि फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए डोबरमैन नहीं होते भाई, तो प्लीज ध्यान से लेना। अगर डोबरमैन पहली बार खरीदने जा रहे हो, मैं सजेस्ट करूंगी कि मत लेना अगर वेरी बिल्कुल फर्स्ट डॉग है ये आपका। हाँ बेबी, यस यस, आई लव यू टू, आई लव यू गाइस, यस दे लव मी सो मच। और जहां तक इनके अग्रेशन और टेम्परामेंट का सवाल है, उसके बारे में मैं एक ही चीज बोलूंगी कि अगर आप उसे अच्छे से रखेंगे घर के अंदर फैमिली के साथ मिला जुला के, उसे सुबह शाम एक्सरसाइज करवाएंगे, उसे खिलाएंगे, और ये अग्रेसिव नहीं होते अनटिल एंड अनलेस देयर इज अ सिचुएशन लाइक दैट। और इन्हें चेन करके रखना, बिल्कुल गलती से भी इन्हें बांध के बिल्कुल मत रखिए, रूडली और हार्शली बिल्कुल इनके साथ बिहेव मत कीजिए, क्योंकि वही आपको वापसी में मिलेगा 10 गुना होकर। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जो आप एक डोबरमैन को देंगे वो 10 गुना आपको वापस कर देगा। हाँ ऑफकोर्स अल्फा का ये सब झेलते हैं, डांट डपट एवरीथिंग, और उस हिसाब से ये बहुत प्यार से और बहुत ही प्यारे बच्चों की तरह फैमिली में रहते हैं और बहुत ही प्यारे डॉग्स होते हैं। एक वो पड़ा, एक ये पड़ा और हम यहाँ पड़े, बस ऐसी प्रेम प्यार से जिंदगी बीत रही है ना बेबी। और जहां तक इनकी मेंटेनेंस की बात है डोबरमैन की, इसकी बात मैं बाद में करूंगी, इसकी बहुत मेंटेनेंस है, इनकी मेंटेनेंस बहुत कम है जी। पहली बात तो आप देखिए इनका कोट, इट्स वेरी स्मॉल, बहुत छोटा कोट होता है, तो नॉर्मल आप इसको ब्रशिंग करो वीक में 2-3 बार, दैट्स क्वाइट एनफ। ठंड ये लोग ज्यादा मानते हैं, गर्मी में फिट एंड फाइन तरीके से रहते हैं, ठंड थोड़ी ज्यादा महसूस करते हैं बिकॉज शॉर्ट कोट होते हैं। इधर ऑफकोर्स गर्मी, बाल की दुकान तो इन्हें ठंड पसंद है, बहुत ज्यादा ठंड पसंद है। बिंगो इज अ ठंड पसंद कुत्ता एंड मार्शल इज अ गर्मी पसंद कुत्ता, है ना बेबी, है ना बेबी, ओ मेरा बच्चा। तो आज गाइस आपको कैसे लगा मार्शल से मिलके मुझे बताइए। हाँ बेबी, आई लव यू, आई लव यू। इसी तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आज के वीडियो में मैं मार्शल और डोबरमैन के बारे में इतनी बात करूंगी, इसके बारे में और बताऊंगी अगली वीडियोस में। तो आपको अगर इससे मिलके मजा आया और आप इसके बारे में और कुछ अलग अलग चीजें जानना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कॉमेंट करके बताइए। यस बेबी, आई लव यू।
चाहूंगी अगर आपको ये वीडियो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और मार्शल को बहुत सारा प्यार दीजिए. मोशी, यू गोइंग टू YouTube, यू गोइंग टू माय चैनल बेबी. पहले भी जा चुका है, वैसे पहले भी जा चुका है, ही इज फेमस. डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल जिसका नाम है कलाकांडी सीजे, ताकि आपको इसी तरह के एंटरटेनिंग और फनी 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 और मजेदार 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 मार्शल बिंगो मेरे और मेरी फैमिली के और सबके जो भी कुछ मैं अपनी पर्सनल लाइफ में करती हूँ आपको देखने को मिलता रहे. जो लोग नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रेस दैट बेल आइकन. इफ यू लाइक द वीडियोस खुद भी देखो और को भी दिखाओ. स्प्रेड द नेम. स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड विद कलाकांडी सीजे. स्टे ट्यून्ड. सी यू सून.